नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क और मैं हूं अरुण दुबे। किसान और सिख समुदाय के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जी हां, रामगढ़ क्षेत्र के किसान द्वारा बनाए गए सोशल मीडिया ग्रुप पे किसान एकता और अलवर भरतपुर यूथ ग्रुप में रवि कांत हिंदू व रवि खटाना आयुष अरोड़ा द्वारा 26 जनवरी को हुए दंगों पर किसानों और सरदारों के खिलाफ गाली गलौज करते हुए अभद्र टिप्पणियां लिखी गईं और सिखों को 1984 दंगों की पुनरावृत्ति की चेतावनी देते हुए टिप्पणियां भेजी गईं। इससे आहत होते हुए रामगढ़ क्षेत्र के सिख समुदाय और किसानों में भारी आक्रोश है और इसी मामले में रामगढ़ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ रामगढ़ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरपाल सिंह पुत्र सावन सिंह द्वारा सिख समाज की तरफ से थाने में मुकदमा दर्ज करा कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई। रामगढ़ पुलिस द्वारा धारा 295 ए आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मौके पर लखविंदर सिंह, जसविंदर सिंह व विश्वजीत सिंह, रमनदीप सिंह, विक्रमजीत सिंह, राजन सिंह, ज्योति रमन, वशिष्ठ व चिमरनजीत सिंह, गगनदीप सिंह, राहुल फोगाट व इत्यादि लोग मौजूद रहे। कांड हुआ था उसको जोड़ के सिख समाज की जो छवि को धूमिल करने के लिए उन्होंने कुछ वीडियो डाली थी, जिसपे एक अभद्र टिप्पणियां समाज के खिलाफ उन्होंने की है और उसके खिलाफ आज हम सारे लोग, हमारे प्रधान साहब, हमारे बुजुर्ग और सर समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि उसके खिलाफ यहाँ पे हम FIR करवाएं और कड़ी से कड़ी उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाए। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो शरारती तंत्र है इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे सिख धर्म के में अपद्र फैला रहे हैं, इसलिए इनकी जो है FIR दर्ज करनी चाहिए और इनके कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक बाइट और दो कोई सा भी सब। राम राम सबों को। जो ये मैटर हो रहा है, पूरा माहौल बिगाड़ने का हो रहा है। रवि कांत है, एक अपना आयुष है, ये सारा भाईचारा जो हमारा खराब कर रहा है। 36 बिलादरी के हम भाई साथ रहते हैं, सब उनकी घर घर में लड़ाई करवा दी, ऐसे जो माहौल बिगाड़ रहे हैं, ऐसे आदमी को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अभी का थोड़ा खड़ा होकर आज सिख समुदाय के लोगों ने फेसबुक पे की टिप्पणी के संबंध में थाना रामगढ़ पर पैटर्न दर्ज कराया, जिसमें इन्होंने लिखा है कि किसान आंदोलन को लेकर के और खालिस्तानी होने के बारे में आरोप लगाए गए हैं। 1984 के दंगों के बारे में इसमें लिखा गया है, जिसमें रवि कांत हिंदू, रवि खटाना और आइस बॉस तीन मेन के खिलाफ टिप्पणी डालने के लिए। मुकदमा किसमें दर्ज किया है? धारा 295 का IPC में मुकदमा दर्ज कर।